या तीन दिन पूरा सबको ऑब्जर्व करने वाला हूँ। मैं उनकी रियलिटी देखना चाहता हूँ कि वो सामने कैसे हैं। मेरे लिए वो होगी, उसके लिए मैं हूँगा। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा शो है जहाँ पे सपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम दोनों के लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। ऑफ कोर्स वी आर बेस्ट फ्रेंड्स एंड हम एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे एंड तक। जो मैं हूँ, जो अली है, वो भी काफी स्ट्रांग इंसान है एंड शायद जितना मुझे सोचने से ज्यादा शायद उनको शौक रहेगा जब मुझे वो अंदर। खुशी तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंसान अंदर जाता है वो कहीं ना कहीं खुशी लेके जाता है कि वो हर वीक सलमान खान से मिलने वाला है। सबका अपना अपना माइंडसेट होता है और मैं अपने माइंडसेट से जाना चाहता हूँ। मैं अपनी गेम खेलना चाहता हूँ, किसी और की खेल के फायदा नहीं है। सबने अपनी खेल के खत्म कर दिए, तो कुछ अलग तभी होगा जब मैं जो खुद हूँ वो दिखूँ। हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आशुतोष और आज सास बहु सस्पेंस इंडिया टीवी पर हमारे साथ एक खास मेहमान अली भाई, अली गोनी, यानी कि जो बिग बॉस में आते ही क्या कुछ धमाल मचाने वाले हैं। अली भाई, वेलकम टू सास बहु सस्पेंस इंडिया टीवी। थैंक यू सो मच आशुतोष, थैंक यू सो मच ब्रो। ब्रो, अब जब आप देख ही रहे हैं पिछले कुछ समय से जिस कदर बिग बॉस बढ़ रहा है और अब जल्दी आपकी भी एंट्री यहाँ होने वाली है, तो आपकी एंट्री से जो इक्वेशंस बन चुके हैं वहाँ पे, टीम अप गैंग अप हो चुका है, कितना कुछ बदलाव आने वाला है, किस तरह से एंटर करने वाले हैं? देखिए, मेरे को एग्जैक्टली अभी जो दिखता है अंदर, लेकिन गेम कुछ और होती है जैसा हम सबको पता है। तो मैं जाके पहले 2-3 दिन, ज्यादा नहीं बस 2 या 3 दिन, पूरा सबको ऑब्जर्व करने वाला हूँ, देखने वाला हूँ कि एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे बाहर देख के पता है कि कौन कैसा है, कौन किसके पीछे कैसा है, जो मैं वहां ऑफकोर्स शेयर नहीं करने वाला हूँ, बट मुझे पता है। मैं उनकी रियलिटी देखना चाहता हूँ कि वो सामने कैसे हैं एंड कहीं ना कहीं उससे इंसान का पता चल जाएगा। एंड आई एम श्योर एक बार जब अंदर जाऊंगा तो गेम ज्यादा अच्छी समझ आएगी एंड आई फिर उस टाइम पे आई प्लान की हाउ कैसे चलना है आगे। अरे अंदर जासमिन है, एजाज एजाज हैं और भी कई लोग हैं, तो कितने इसमें से जितने लोग हैं अंदर उसमें कितने आपके फ्रेंड्स हैं, कितनों का पहले से जानते हैं और कविता है? जानता तो मैं सबसे ज्यादा जैस्मिन को ही हूँ, शी इज माई वेरी गुड फ्रेंड। एंड शार्दुल को मैं जानता हूँ, मतलब हाय हेलो अच्छा है उसके साथ मेरा। एंड नैना को जानता हूँ, पवित्रा के साथ शो किया है, वो मेरे शो में थी फॉर काफी टाइम के लिए, थी 1 साल के लिए थी एंड दैट्स इट। बाकी मैं किसी जानता मतलब हूँ बट हाय मिले हैं 1-2 बारी सबसे, बट दोस्ती वगैरह किसी के साथ नहीं है। जासमिन के लिए आप काफी सपोर्ट भी कर रहे थे जब बीच में जासमिन थोड़ी सी ब्रेकडाउन हुई थी, आपने काफी पोस्ट किया था उनके लिए, खुला सपोर्ट किया था, तो कहीं ना कहीं अब जब आप घर के अंदर होंगे तो उनके लिए भी थोड़ा सा एक सपोर्ट सिस्टम हो जाएगा एक उनकी। एग्जैक्टली दोनों के लिए होगा, मेरे लिए वो होगी, उसके लिए मैं हूंगा। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा शो है जहाँ पे सपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि ये हम दोनों के लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। ऑफ कोर्स वी आर बेस्ट फ्रेंड्स एंड हम एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे एंड तक। भाई जैसे कि आपने जितने भी लोगों को देखा है अब तक, एजाज एजाज का काफी स्ट्रॉन्ग सामने आ रहे हैं और भी जो जासमीन है, दूसरे कैरेक्टर्स हैं, तो इसमें से कौन सा आपको लगता है कि मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, इससे थोड़ा सा बच के रहना चाहिए या इसके ऊपर खास ध्यान देना चाहिए? देखिए फ्रेंकली स्पीकिंग, स्ट्रॉन्ग इन द सेंस मस्ट बी वो मेंटली स्ट्रांग होंगे या खेलने के लिए स्ट्रांग होंगे, बट व्हेन आई गो इनसाइड तो आई एम श्योर कि जो मैं हूँ, जो अली है, वो भी काफी स्ट्रांग इंसान है। एंड शायद जितना मुझे सोचने से ज्यादा शायद उनको शौक रहेगा जब मुझे वो अंदर देखेंगे, क्योंकि जो मुझे जानता होगा उसको पता होगा मैं कैसा हूँ। एंड मैं बहुत इज्जत देता हूँ, मैं हर एक इंसान को इज्जत देता हूँ, छोटे से बड़े को इज्जत देता हूँ, मेरी मैं ऐसा ही हूँ। बट मैं बहुत कम किसी का मतलब यू नो लेता भी बहुत कम हूँ मतलब। तो आई होप जो भी करे मुझसे अगर कुछ करना है तो जो पॉइंट होगा, जो मैटर होगा, उसी पे बात करूंगा। उसके अलावा फालतू आई डोंट थिंक सो मैं किसी चीज में घुसने की कोशिश करूंगा। अब जो कि आप जा रहे हैं तो बिग बॉस इज अ शो जहाँ पे सलमान खान की बात किए बिना वो शो कभी कंप्लीट नहीं होता है। जी 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 तो सलमान भाई से इससे पहले आप मिले हैं, कुछ कहना चाहेंगे मतलब किस तरह से उन्हें मिले? हाँ जी हाँ जी, सलमान भाई से 1-2 बार मिला हूँ। सलमान भाई का एक शो किया था लास्ट मैंने, वो प्रोड्यूसर थे हमारे एंड
उनसे एक दो बार मेरे शो में आ चुके हैं अपनी फिल्म प्रमोट करने, बस उतना ही मिला हूँ। एंड ऑफ कोर्स जितनी बार मिलो उतना कम है, सलमान भाई का फैन कौन नहीं है, हम भी हैं, हमेशा से हैं। एंड एक्साइटेड हूँ, हर वीक उनसे मिलने को मिलेगा, उनसे बात करने का मौका मिलेगा। सो एक खुशी तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जो इंसान अंदर जाता है वो कहीं ना कहीं खुशी लेके जाता है कि वो हर वीक सलमान खान से मिलने वाला है, लाइक लकी लोग हैं। अब जब इससे पहले आपके काफी फ्रेंड्स जो कि बिग बॉस का हिस्सा रह चुके, तो उनसे आपने कभी उनसे कोई बात की या किस तरह की टिप्स या कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? आपने खुद भी इतने एपिसोड्स देखे हैं, सीजंस देखे हैं, तो कोई ऐसी प्लानिंग है कि मतलब किस तरह से जाना है? मैंने किसी से बात नहीं की इस बारे में, मैंने किसी से पूछा नहीं। एंड मुझे किसी से किसी की प्लानिंग या किसी का माइंडसेट देख के नहीं जाना है, बिकॉज सबका अपना अपना माइंडसेट होता है और मैं अपने माइंडसेट से जाना चाहता हूँ, मैं अपनी गेम खेलना चाहता हूँ, किसी और की खेल के फायदा नहीं है। सबने अपनी खेल के खत्म कर दिए, तो कुछ अलग तभी होगा जब मैं जो खुद हूँ वो दिखूँ। तो मैं किसी का देख के या किसी से पूछ के या बात करके नहीं जा रहा। अली भाई, कौन सी चीज है जिससे अली गोनी को सबसे ज्यादा गुस्सा आती है जब भी मतलब आप देखते हैं, तो कौन सी? बिकॉज वहां पे बड़ी छोटी छोटी चीजें, कई बार रोटियों के लिए, चम्मच के लिए, किचन के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ाइयां हो जाती है, तो कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा इरिटेट करती है आपको, जिसपे आपका गुस्सा फूट सकता है? देखिए, मुझे खुद नहीं पता है कि मुझे किस बात पे गुस्सा आएगा, क्योंकि वो एक अलग जगह है, वो एक अलग घर है, एंड वहां पे सब कुछ डिफरेंट है। तो मुझे लगता है कि वहां जाके मुझे किस बात पे गुस्सा आने वाला है, दैट इवन आई डोंट नो। ये मेरे लिए भी सरप्राइज ही होगा, क्योंकि बाहर जिन चीजों पे गुस्सा आता है मुझे बहुत कम चीजों पे गुस्सा आता है, बट वहां सिचुएशन कैसी होगी, कौन सामने होगा, उस पर डिपेंड करता है कैसे के बोलेगा। आमतौर पे कौन सी चीज जो आपको सबसे ज्यादा इरिटेट कर देती है, मतलब कोई शख्स कुछ करता है जो आपको इरिटेट करती है, ऐसी कोई चीज? सी, कोई फालतू बात का मुद्दा बनाना या फालतू बेकार की बात को उठाना एंड सामने वाले को बेकार से नीचे दिखाना, नॉट ओनली मी, किसी और को भी नीचा दिखाना, फालतू चीज बेसिकली करना जो जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ, फन वाइज कर रहे हो, तुम्हारे की पर्सनल दुश्मनी, दैट्स डिफरेंट, बट बेकार में कोई चीज करोगे तो आई थिंक वो चीज इंसान को, मुझे तो बहुत अजीब लगेगी, तो मे बी वो शायद मुझे ट्रिगर कर सकती है, नो डाउट। अब जबकि आप अंदर एंटर कर रहे हैं, तो कौन सी चीज है मतलब जो आप एक सभी को, जितने भी अंदर कंटेस्टेंट्स हैं, व्यूअर्स जो बाहर देख रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कंटेस्टेंट्स के लिए, अगर वार्निंग की तौर पे या एक सजेशन एडवाइस, तो वो क्या होगी उनके लिए? वार्निंग और सजेशन मैं किसी को कुछ नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि अंदर जाके मेरे साथ क्या होने वाला और मैं किसी के साथ क्या करने वाला हूँ, वो फ्यूचर है, उसको मैं डिसाइड नहीं कर सकता। बट या अगर सब खेलने गए तो ऑफ कोर्स मैं भी खेलूंगा, बट मैं अली बन के खेलूंगा, फेक नहीं खेलूंगा। एंड लास्टली करण भाई से आपकी कोई बात है? बिकॉज वो कई बार शो में जा चुके हैं, तो और आपके काफी करीबी भी हैं, काफी आपके अंदर क्लोज हैं, तो उनसे कोई आपने बात की करण पटेल से? करण भाई ने बस कॉल किया था मुझे, उनको पता चला मैं जा रहा हूँ, सो उन्होंने यही बोला, ऑल द बेस्ट, लड़ना वरना मत, किसी पे हाथ मत उठाना एंड गाली वाली मत देना। मैंने बोला मैं ट्राई करूंगा। चलिए चलिए, तो जाते जाते सभी दर्शकों, फैंस, व्यूअर्स से क्या कहना चाहेंगे? मैं सब अपने जो मेरे लोग हैं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मेरी फैमिली है, वो मैं उन सब से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मुझे एंड मेरे सबसे ऑफ कोर्स जैस्मिन को सपोर्ट कीजिए एंड निराश नहीं करेंगे एंड आई होप हम अपना बेस्ट दें और आई होप कि इनको कोई भी चीज मेरी बुरी ना लगे, अगर लग भी गई तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि अंदर बैठ के कभी समझ नहीं आता, एंड सपोर्ट करते रहे तक, दैट्स इट। चलिए, थैंक यू सो मच अली भाई बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं जब आप घर से बाहर निकले तो ट्रॉफी के साथ बाहर आए। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू आशुतोष, थैंक यू सो मच, थैंक यू।